हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे ये ब्यूटीफुल इंडियन लुक पाया है यूजिंग बीबी क्रीम एज माय बेस। सो इफ यू ऑल वांट टू नो, प्लीज़ कीप ऑन वाचिंग। जो बीबी क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, इट्स फ्रॉम पॉन्स वाइट ब्यूटी बीबी क्रीम। जस्ट थोड़ा सा आप अपने हाथ में पहले ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें ऐड करूँगी अपना सिरम। द वन विच आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम गुड वाइब्स। आपको एक ड्रॉप सिरम अपने बीबी क्रीम में यूज़ करना है। कोई भी बीबी क्रीम आप ट्राई कर सकते हो, मेरे पास ये है, मुझे सूट करता है तो मैं पॉन्स वाला यूज़ करती हूँ। कैन ऑल्सो ट्राई द गार्नियर वन और लैक्मे, कोई भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस में लगा लीजिए और फिर आप फिंगर के हेल्प से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। आप ऐसे ट्राई करोगे ना तो आप देखोगे बहुत अच्छा कवरेज भी मिल रहा है, स्किन ड्राई भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग का शिकायत रहता है बीबी क्रीम यूज़ करने से स्किन बहुत ड्राई हो जाता है और रफ़ हो जाता है। बट आप ऐसे ट्राई करो, आप कवरेज भी देखना बहुत अच्छा मिलेगा। मेरा जितना भी रेड मार्क्स थे ना, वो भी कवर्ड हो गए थे अच्छे से। अगर आपके पास बीबी क्रीम नहीं है तो आप सीसी क्रीम भी ट्राई कर सकते हो। बस उसमें एक ड्रॉप अपना कोई भी फेवरेट सीरम ऐड कर लीजिएगा और अपने फेस में पूरे अच्छे से लगा लीजिए। बहुत अच्छा स्मूथली ग्लाइड भी हो जाता है और लगेगा ही नहीं कि आपने फाउंडेशन नहीं लगाया। आप देख सकते हो कवरेज बहुत अच्छा दिया है। उसके बाद मैं सेम बीबी क्रीम को एज अ कंसीलर यूज़ करूँगी। आई एम नॉट यूजिंग एनी कंसीलर और फाउंडेशन टुडे। और इसको फिंगर के हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप कुछ भी यूज़ कर लो, ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट फिंगर और ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा अच्छा काम करता है व्हेन यू आर यूजिंग बीबी और सीसी क्रीम, क्योंकि ऑलरेडी ये ज़्यादा कवरेज नहीं देता, कम कवरेज देता है। तो उसमें अगर ब्रश यूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सोख लेगा उसमें। सो आप ऐसे ट्राई कर लेना। पहले मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगा रही हूँ, फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से डैप कर ले रही हूँ ताकि प्रोडक्ट जाके अच्छे से मेरे स्किन में बैठ जाए। उसके बाद मैं यहाँ अपना फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे। इसको मैं सिर्फ अपने हाईएस्ट पॉइंट्स में लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पूरे फेस में ज़रूरत नहीं पड़ा था। ब्रश की हेल्प से आप अच्छे से पूरा पाउडर को ब्लेंड कर लीजिए, वॉट एवर इज़ लेफ्ट इन योर ब्रश, फिर उसको आप पूरे फेस पे पैट कर सकते हो। और हाँ, मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपना स्किन केयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसके बाद ही आप कोई भी मेकअप स्टार्ट कीजिएगा। सो वंस दैट इज़ डन, उसके बाद मैं अपना ब्राउ फिल करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है फेसेस प्रो का आईब्रो डिफाइनर और आईब्रो पेंसिल, जो भी आप बोल सकते हैं। काफ़ी स्मूथ है और बहुत अच्छे से ग्लाइड हो गया था। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, तो आप ये फेसेस का ब्राउ पेंसिल ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता है कलर बार से ये ज़्यादा बेटर लगा मुझे, क्योंकि कलर बार वाला ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, बट दिस विल गिव यू द एग्जैक्ट यू नो कलर, इसलिए आप फेसेस वाला ट्राई कर सकते हो। इसका डिटेल मैं नीचे इन्फो बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद मैंने यूज़ किया अपना मेकअप रेवोल्यूशन का फेवरेट पैलेट जो मैंने नया ऑर्डर किया है। इसमें से मैंने ये पिंक कलर लिया है और पूरे लिड में अच्छे से लगा लिया है। आई एम नॉट यूजिंग लॉट ऑफ कलर्स, कम ही कलर यूज़ कर रही हूँ मैं, ताकि बिगनर्स आराम से इसको कर सको, इसीलिए मैं ज़्यादा हैवी आई मेकअप नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा आप लगाइएगा, उसके बाद उसको ब्लेंड करते रहिएगा। यूज़ एनी ब्लेंडिंग ब्रश, आप पैक का भी ट्राई कर सकते हो, रियल टेक्निक्स के ब्लेंडिंग ब्रश भी अच्छे होते हैं। दिस वन इज़ फ्रॉम द बॉडी शॉप, तो वो भी ट्राई कर सकते हो।
वाटर लाइन्स एज वेल एज लोअर वाटर लाइन्स दोनों में अच्छे से लगा लिया है। बहुत लाइट करके लगाया, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाया मैंने। फिर मैंने अपने फेक लैशेस अप्लाई किए हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे लैशेस के बारे में, ये मैंने एक्चुअली अमेजोन से लिया था, इट्स अ पैक ऑफ 5, तो उसी में से मैंने लिया था। काफ़ी अच्छा निकल गया लैशेस, नेचुरल एकदम। फिर मैंने यूज़ किया अपना मस्कारा अगेन फ्रॉम पर्पल, जस्ट लोअर लैशेस में अच्छे से लगा लिया है। अच्छा मस्कारा है, नॉट बैड, काम अच्छा करता है। उसके बाद मैंने यूज़ किया अपना मेकअप रेवोल्यूशन का कॉन्टोर किट, उसमें मैंने ये शेड यूज़ किया और जस्ट लाइट कॉन्टोरिंग किया है। बहुत ज़्यादा ना हार्श कॉन्टोरिंग है ना ब्लश है, बहुत हल्का मेकअप रखा है मैंने। ये आप दिवाली में कर सकते हो, लाइक मॉर्निंग में, दुर्गा पूजा में भी मॉर्निंग में जब पैंडल हॉपिंग के लिए आप जाओगे तो भी ये मेकअप लुक कर सकते हो, अच्छा लगेगा। लाइट भी है तो ज़्यादा आपको प्रोडक्ट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और प्रोडक्ट जो घर में अवेलेबल है आप वही सब यूज़ कर सकते हो। फॉर माई ब्लश आई हैव यूज द पलाडियो ब्लश, इसका कलर बहुत अच्छा है, पिगमेंटेड भी है, इसलिए मैंने हल्का हल्का लगाया है क्योंकि मुझे ज़्यादा पिंकी पिंकी लुक नहीं चाहिए था, सो आई वेंट वेरी लाइट विद माई ब्लश। एक्चुअली ये पिंक नहीं है, ये मोव टाइप का कलर है, तो मुझे वो कलर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अपना वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर यूज़ किया है, दिस इज़ मोर लाइक अ गोल्डन हाईलाइटर, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा था फेस पर लगाया हुआ। हाईलाइटर बहुत अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, प्राइस मैं नीचे दे दूँगी इन्फो में। फिर मैंने यूज़ किया अपना वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे जस्ट टू सेट माई मेकअप, हिले डुले ना ज़्यादा। उसके बाद मैंने यूज़ किया अपना डार्लिंग इसाबेला का ये लिपस्टिक इन द नंबर 8, हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छा कलर है, एकदम मूविश टाइप का कलर है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत देर तक लिप्स पे था, शुड गिव इट अ ट्राई। फिर मैंने अपना इयर रिंग्स पहना था और बिंदी लगा लिया था, एंड दैट्स इट फॉर द मेकअप। आई होप आपने मेरा वीडियो इन्जॉय किया हो, अगर अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।